हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मिक्स्ड फ्रूट जैम रेसिपी। ये जैम आपको देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि हमने इसे घर पे बनाया है, लेकिन हाँ बिल्कुल हमने इस रेसिपी को, इस मिक्स्ड फ्रूट जैम को घर पे बनाया है, जो कि खाने में ऑब्वियसली बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है, बिल्कुल मार्केट के जैम जैसा। तो चलिए फटाफट से इस मिक्स्ड फ्रूट जैम रेसिपी को घर पे बना के तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और उस पर रखेंगे एक कढ़ाई, और फिर हम उस पर डालेंगे ये ऑरेंज जिसके हमने सीड्स निकाल लिए हैं। इसके बाद हम इस पर डालेंगे चॉप्ड ग्रीन ग्रेप्स। अगर आपको इनकी क्वांटिटीज बढ़ानी है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़े से अनारदाने, थोड़े से चॉप्ड ब्लैक ग्रेप्स, और साथ ही हम इस पर डालेंगे चॉप्ड एप्पल्स। आप बाकी अपने मनपसंद के फ्रूट्स भी इस पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में डाल रहे हैं चॉप्ड बनानास। अब इन फ्रूट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और याद रखिए हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। और फिर हम इस पर डालेंगे 1 कप ऑफ वाटर, और इसे हम लिड की हेल्प से ढक कर रख देंगे, और इन फ्रूट्स को लो फ्लेम पर धीरे धीरे ऐसे गलने देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पर बॉयल आ चुका है। तो बॉयल आने के बाद हम इस पर डालेंगे 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही हम डालेंगे इस पर इलायची पाउडर 1 teaspoon, और इसमें अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैशर की हेल्प से हम इन सारे फ्रूट्स को अच्छे से मैश कर देंगे ताकि इनका जो जूस है वो अच्छी तरह से निकल आए, इस वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इस पर डालेंगे शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला है 1/2 cup ऑफ शुगर। अब शुगर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर डालेंगे 1/4 teaspoon ब्लैक सॉल्ट। ये ऑप्शनल है, आप इसे अगर नहीं भी डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते। इसके बाद हम इसे भी मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक प्योरी बन चुकी है सारे फ्रूट्स की, क्योंकि अच्छे से मैश भी हो चुके। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें अच्छे से थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। ठंडे हो जाने के बाद अब हम इन्हें स्किमर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से इसका जूस निकाल लेंगे। इसकी एक थिक प्योरी हमें निकाल के तैयार करनी है। तो अब हम इसे स्किमर की हेल्प से निकालेंगे। आप यार अब देख रहे हैं, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ठंडा होने के बाद ही इसकी प्यूरी बना के तैयार करें, आप इसे गरम गरम भी इसे स्किमर की हेल्प से इसे छान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक थिक प्यूरी बन के तैयार हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी रखना है ताकि ये थोड़ा थिक भी रहे। अब वापस से हम इस प्यूरी को उस कढ़ाई में डाल लेंगे और जिसका फ्लेम हम बिल्कुल लो में रखेंगे। अब इसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। आप लिक्विड वाला फूड कलर भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। इस फूड कलर से इस जैम का जो कलर है ना वो बहुत ही डार्क और बहुत ही अच्छा आने वाला है, बिल्कुल मार्केट के फ्रूट जैम जैसा। तो यहाँ पर हम इस पर कलर अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे हम अच्छे से इसमें प्यूरी में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हम इस पर लास्ट में डालेंगे 1 teaspoon ऑफ लेमन जूस। अगर आपको इसका खट्टापन नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, थोड़ा सा थिन है तो हमें इसे और भी पकाना है। तो अब 2 से 3 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कि ये बिल्कुल थिक हो चुका है, बिल्कुल जैम की तरह। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्स्ड फ्रूट जैम को हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और ठंडे होने के बाद हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में अच्छी तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे एक कांच के बर्नी पे स्टोर करके रख लिया है, और इसे हम महीनों तक अच्छे से यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मिक्स्ड फ्रूट जैम बनके तैयार हो चुका है, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसे घर पे सारे फ्रूट्स से बना के तैयार किया है, और साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। आप इसे देखने में ऐसे लग रहा है कि ये बिल्कुल मार्केट की तरह है, बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब आप भी ऐसा फ्रूट जैम बना के तैयार करिए, और यकीन मानिए आपके बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी एक नई रेसिपी के साथ। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साक्षी फूड गैलरी। थैंक यू।